Very good morning to all my dear students of class 10th. I'm Gurjeet Kaur. Most welcome from me. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बच्चों विजय सर क्लासेस के मैथ्स के पीरियड में. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3. जैसा कि हम सबको पता है बच्चों, ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का. तो स्टार्ट करते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, जिसमें बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. दो लीनियर इक्वेशन है और पेयर है, और इसे हमको क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है. कैसे करना है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? अब हम वो देखेंगे. और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना. तो एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बट कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके. दूसरा कोई मेथड हम इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्लियरली बोला हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो. तो हम सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे. तो ये बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट मेथड है जो हम सीख रहे हैं. इससे पहले भी हम सीखे हैं ग्राफिकल मेथड सीखे हैं. तो ग्राफिकल मेथड को छोड़ के अगर हम एल्जेब्रिक मेथड्स की बात करें, तो एल्जेब्रिक मेथड्स में ये फर्स्ट मेथड है. इसके बाद और कुछ कुछ मेथड्स आएंगे जो मैं आपको बताते जाऊंगी एज पर द क्वेश्चंस. बट राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू द सब्स्टिट्यूशन मेथड. दिस टू इक्वेशंस हैड गिवन टू अस. सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी विल मार्क द गिवन इक्वेशंस एज इक्वेशन 1 एंड 2. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन. तो बच्चों हमें सबसे पहले दोनों इक्वेशंस जो हमें गिवन है, उन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना है. एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा. वो ट्रिक ये है कि आप हमेशा ये खोजना कि जो भी आपको दो इक्वेशंस गिवन है उसमें माइनस साइन किस में है. मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. माइनस कहाँ पे है? माइनस सिंबल, माइनस साइन कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 में. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सब्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन से. क्यों बता रही हूँ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन होता है बदला, किसी के बदले में. एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने ये कहा है कि आप एक कई बार हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत ही हम लोग फेमस है कि हम पंडितों के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या बोला जाता है? आप एक डायमंड पहन लो. फॉर एग्जांपल, आपको किसी पंडित ने ये बता दिया कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक डायमंड रिंग पहननी पड़ेगी. बट डायमंड रिंग इस वक्त हो सकता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. तो मैं पंडित जी से पूछूंगी कि पंडित जी मुझे आप एक सब्स्टिट्यूशन बताओ, कि काम तो डायमंड का हो बट मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस वक्त अफोर्ड कर पाए. तो पंडित जी मुझे क्या बोलेंगे? कि आप एक अमेरिकन डायमंड पहन लो जो काम तो पूरा डायमंड का करेगा बट कॉस्ट काफ़ी टाइम्स कम हो जाएगा. तो इस एग्जांपल से बच्चों आपने क्या सीखा? कोई एक ऐसी चीज़ जिसको हमने रिप्लेस कर दी किसी दूसरे चीज़ से, तो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. मीन्स रिप्लेसमेंट. कई बार हम मेडिसिन के साथ भी ऐसा ही करते हैं. हम कोई सब्स्टिट्यूशन मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, एक दवाई काम नहीं कर रही है, सेम फॉर्मूला का कोई हम दूसरा कंपनी का मेडिसिन खा लेते हैं, वो काम कर जाती है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इक्वेशन 2 हमने क्यों पसंद किया? क्योंकि इसमें था बच्चों माइनस सिंबल. तो माइनस सिंबल को हम जितनी जल्द से जल्द हो सके अपने सामने से अगर हटा देते हैं, जस्ट लाइक अगर हम डेसिमल को जितनी जल्द से जल्द हो सके अपने सामने से हटा देते हैं, तो दो चीज़ काम करता है. एक तो माइनस को देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं, डेसिमल को भी देख के सिमिलरली कुछ बच्चे डर जाते हैं. तो हम इन चीज़ों को हटा दें अगर अपने नज़रों से, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम सही सॉल्व कर पाते हैं. इसको भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे. माइनस को हटाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा
ये जो मेथड है ये हटाने वाला है, रिप्लेस करने वाला है x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये कैसे हुआ बच्चों? y को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस। y को हम यहां से उठा के कहां ले गए? लेफ्ट हैंड साइड से उठा के बच्चों हमने y को कहां कर दिया? राइट हैंड साइड में कर दिया। ये देखो इक्वेशन 2 दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में कर दिया। तो ये जो बच्चों आ गया है ये फिलहाल हमारे लिए क्या है? x की वैल्यू। तो ये जो x की वैल्यू अब हमें मिली है इन द टर्म ऑफ y, इसको क्या बोलते हैं? x की वैल्यू इन द टर्म ऑफ y, याद रखना हमेशा। तो इसको हम पुट करेंगे ऑपोजिट वाले इक्वेशन में। ऑपोजिट मींस अगर हमने इक्वेशन 2 से काम चालू किया है, मतलब इक्वेशन 2 में से अगर हमने x और y किसी को भी डिस्प्लेस किया है तो उससे जो हमें वैल्यू मिला है उसको हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। चलो करके दिखाती हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये बात हमेशा बच्चों याद रखना, जो हमसे गलती होती है हम उसको पहले ही दिन पहली बार में सुधार लें। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से अगर हमने x का वैल्यू लिया दोबारा उसको इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं और हम एक साइक्लिक ऑर्डर में गोल गोल घूमते रह जाते हैं, आंसर कभी नहीं आता और फाइनली हम सोचते हैं मैं तो पूरा सही कर रहा हूँ, न जाने क्यों मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट रूल सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमेशा ये याद रखना, जिस इक्वेशन से हमने x या y किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट किया है उसमें हमको कभी भी वैल्यू पुट नहीं करना है, उसके अनदर वाले में, उसके दूसरे वाले में पुट करना है। अगर आप ये रूल पहले ही दिन समझ गए तो ये मेथड आपके लिए बच्चों बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत ईजी मेथड है। ऐसे भी तो टफ कोई भी नहीं है, बट इस मेथड को सॉल्व करने का एकमात्र ट्रिक, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है तो सेकंड में रखोगे, सेकंड से करे हैं तो फर्स्ट में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अब रख रहे हैं x की वैल्यू इक्वेशन 1 में। x क्या है? 4 प्लस वाई। इस x के बदले मैंने क्या लिख दिया बच्चों? 4 प्लस वाई। अब इसके बाद मुझे लिखना है ये वाला y, विच इज इक्वल्स टू 14। नाउ 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, y इक्वल्स टू 5। अब ये आ गया बच्चों हमारा x, y का एक्चुअल वैल्यू y है 5। अब हम इस y इक्वल्स टू 5 से क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं? देखो बहुत ही इजी है। उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन। अब आपको पूरी लिबर्टी मिली हुई है बच्चों, आप y को कहीं पे भी पुट कर सकते हो। आपके पास दो इक्वेशन है, आप चाहो तो यहां पुट कर सकते हो, चाहे तो इक्वेशन 1 में, चाहे तो इक्वेशन 2 में, चाहे तो ये जो आपने निकाला है x की वैल्यू इसको आप कंसिडर कर लो एज इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहां पे लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। आपका बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा, आप तीनों में से कहीं पे भी y की वैल्यू पुट करो। मुझे अच्छा लगा मैं यहां पुट कर दी हूं, आपको यहां कहीं पे अच्छा लगे आप वहां कहीं पुट कर दो। तो x इक्वल टू आप कहीं में भी पुट करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा वैल्यू किसका? x का। बट यहाँ इन दोनों में इक्वेशन 1 और 2 में अगर रखोगे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस पड़ेगा। इक्वेशन 3 में देखो मैंने एक लाइन में x की वैल्यू निकाल ली। तो ये सब बेटा शॉर्टकट ट्रिक्स है कि आप कैसे फुल मार्क्स भी गेन करो और साथ में आपको टाइम भी कम से कम लगे और गलती भी बिल्कुल ना हो। तो उसके लिए सबसे पहला ट्रिक मैंने बच्चों आप लोगों को क्या बताया, हमेशा जिस इक्वेशन में माइनस है कोशिश करो उस इक्वेशन में से माइनस वाला जो टर्म है उस टर्म को रिप्लेस करने का, जिससे कि वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। प्लस को देखते हमारे दिल को थोड़ी ठंडक पहुंचती है और थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये देखो कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब आप y की वैल्यू जो निकल गई है या x की किसी में भी कोई वेरिएबल की जिसकी वैल्यू निकल गई है उसको पुट करने के टाइम इन दोनों इक्वेशन को प्रेफर मत करो।
इसको प्रेफर करो हमेशा, ये आपको जल्द से जल्द आंसर देगा और टाइम की बचत। बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम बहुत मैटर करता है। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5 एंड दिस इज आर आंसर। तो ये हुआ खत्म बच्चों इक्वेशन नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3.3 एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बच्चों मैं आप लोग के लिए सॉल्व कर रही हूँ। वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे ट्रिकी है बट आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस डिवाइडेड बाई 3, टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। मैंने इन दोनों को पहले जैसा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 ले लिया है। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को जो स्टेप्स हैं वो एक बार लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, पुटिंग द इक्वेशन नंबर, मतलब इक्वेशन जो आपको गिवन है इन दोनों को सबसे पहले आपको नंबर्स डालना है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों हमारे लिए, नेक्स्ट होगा सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूटिंग मींस सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि माइनस कहाँ पे है। अगर तो है, देखो जैसे इसमें भी इक्वेशन नंबर 1 में है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो और अच्छी बात है, हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू मिला है उसको पुट करना, मींस पुटिंग द वैल्यू। फोर्थ, जो वैल्यू पुट करने के बाद हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है, उसके बाद सेकंड वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल। और ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, बट बेसिक ये स्टेप्स है हमारे पास 4। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को कुछ अभी करने वाले हैं बच्चों, जिससे हमारा इक्वेशन 2 थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। वैसे हम ऐसे लेके भी चल सकते हैं, चलो वैसे पहले ऐसे लेके ही चलते हैं, उसके बाद करेंगे। पहले हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि 1 में है माइनस। एस इक्वल टू 3 प्लस टी एंड हेयर इज द वैल्यू ऑफ एस इन द टर्म ऑफ टी, वेरी गुड। टी के टर्म में एस की वैल्यू हमने फाइंड करी। नाउ व्हाट वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन, मीन्स हमने 2 स्टेप कर लिया बच्चों, हमने पुटिंग द नंबर्स कर दिए इक्वेशन के, सब्स्टिट्यूशन भी ये देखो हमने कर लिया, अब पुटिंग द वैल्यू करेंगे। थर्ड स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है बच्चों तो हम 2 में रखेंगे, इन इक्वेशन 2, बट वैल्यू रखते हैं 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। अब देखो बच्चों ये हमने यहाँ पे रख दिया s की वैल्यू। अब s की वैल्यू रखने के बाद पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल वेरिएबल वाले में। अब सिंगल वेरिएबल वाले में कन्वर्ट होने के बाद हम निकालेंगे इसका आंसर, मींस इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, 3 और 2 जो ये दोनों नंबर है इन दोनों का हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा 3 2 6। इस 3 प्लस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 का, 2 3 6 प्लस 2t और प्लस 3 के साथ इस 2 का मल्टीप्लाई होगा, इस t का सॉरी, ये होगा 3t विच इज इक्वल्स टू 6। अब इसके बाद 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 इंटू
सिक्स कैसे हुआ? ये जो सिक्स था बच्चों डिनोमिनेटर में, ये राइट हैंड साइड में जाके हो गया मल्टीप्लाई. सिक्स सिक्स 36 माइनस सिक्स एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज 50. ये माइनस सिक्स कहाँ से आया? ये साइड चेंज होके बच्चों प्लस का माइनस हो गया. अब ये आया 36. देन द वैल्यू ऑफ टी इज 6. अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों? पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में और फाइंड करेंगे सेकेंड वाला वेरिएबल. उसमें भी मैंने आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक बता रखा है बच्चों, किस में पुट करना है हमें टी की वैल्यू इक्वेशन 3 में. हम चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना हमारे लिए अच्छा होता है इन द सेंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस. पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, 2, 3, S is equals to 3 plus 6 which is equals to 9. Then this is our second answer. हम चाहे तो बच्चों यहाँ पे भी इस टाइप से आंसर कर सकते हैं, बट बेटर होगा अगर हम सेपरेटली लिखे S equals to and T is equals to. S is equals to 9, T is equals to 6 and now this is our answer. ये ऐसे बच्चों हमने कर लिया. अब सेकेंड वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों हमने कर लिया है. अब हम करेंगे थर्ड. थर्ड को बच्चों हम एक और शॉर्टकट ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको लगेगा ये इक्वेशन और इजी हो गया. ठीक है, तो करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. चलो इसमें एक चीज बच्चों देख लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड अगेन 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. यहां पे आपको x के कोएफिशिएंट में, y के कोएफिशिएंट में और कांस्टेंट टर्म में, तीनों में हमको क्या दिख रहा है कि ये 3 के टेबल में है तीनों. तो अगर हम चाहे इसको, हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है बच्चों, वहां से देखो पुटिंग द इक्वेशन नंबर्स, सेकेंड में सब्स्टिट्यूटिंग. बट इस बार इस क्वेश्चन में हम इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप के बीच में क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम लेंगे तो जरूर, पर सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, कुछ करने के लिए. देखो मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 9x माइनस 3y विच इज इक्वल्स टू 9, इफ आई टेक आउट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, 3x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, बिकॉज 3 थ्री जो होता है 9. अब ये इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो तो बच्चों, क्या ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल नहीं हो गया? अब इसको अगर मैंने इक्वेशन 3 नंबरिंग कर दिया तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं इक्वेशन 3 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1. मीन्स मतलब क्या है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू विच इज अगेन इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू. और ये किसको डिनोट करता है बच्चों? ये डिनोट करता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को. मीन्स जहाँ पे मेनी सॉल्यूशन हुआ बच्चों, वहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते. मीन्स ये ओवरलैपिंग लाइन्स है बच्चों. ओवरलैपिंग लाइन्स मतलब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जाती हुई, तो इसमें हर पॉइंट पे आंसर आएगा. तो अगर हर पॉइंट पे आंसर आ रहा है बच्चों, तो हमारे लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे में हम आंसर क्या लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस.
और बस बच्चों, इतना लिख के आपको ये आंसर को खत्म करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते नहीं बैठना है, क्योंकि इसका आंसर नहीं आएगा। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 एक्सरसाइज 3.3 से। इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए बच्चों आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मेरे गुरजीत कौर की तरफ से, विजय सर क्लासेस की ओर से।